अमेरिकानी फैंस को वही समझेगा में बहुत बहुत खुश आमद है। अमेरिकानी फ्रेंड्स, आज की जो मेरी वीडियो है अपने विंटर फ्लावर बल्ब्स की सेविंग के बाद स्टोरेज के हवाले से है। अक्सर मेरे फेसबुक के फ्रेंड्स ने और यूट्यूब के फ्रेंड्स ने पूछा कि जी आप अपने तमाम विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स है आपने इसको कहाँ सेव आउट किया हुआ है, हमें थोड़ा सा उसका ओवरव्यू जरा थोड़ा सा कराएं आप। तो मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, पहले तो तमाम अपने दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियोस को देखने का, लाइक करने का, कमेंट करने का। अपने गाड़ी फ्रेंड्स को इतना मैं बताता चलूं कि अक्टूबर के महीने में मैंने विंटर फ्लावर बल्ब्स लगाने शुरू किए थे और सबसे पहले एशियाटिक लिलीज पे फ्लावर्स आए थे और सबसे जो आखिरी जो फ्लावर्स थे वो डेफोडिल्स डबल फ्लावर थे जो कि अप्रैल के एंड में आए थे। और कुछ ऐसे विंटर फ्लावरिंग बल्ब्स है जिन पे फ्लावर्स नहीं आए थे, जिसमें क्रोकस हो गया, जाफरान हो गया, अच्छी बल्ब्स हो गया, नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं जिसमें आपकी बल्ब्स के साइज से लेकर गार्डन सॉइल के लेकर आपके वेदर कंडीशन है, काफी चिल्ड वेदर भी कई बीच में रहा तो जिसमें स्प्रिंग में फ्लावर्स नहीं आ सके। तो इस सफर का आगाज एशियाटिक लिली से शुरू हुआ और डेफोडिल्स पे आके खत्म होगा। पहले तो थोड़े से जितने भी फ्लावर्स बाहर के मौसम में फ्लावर्स आए जिन विंटर बल्ब्स पे, उनके थोड़े से आप जो क्लिप्स हैं वो दिखेगा। और साथ साथ जिन मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को भी प्रेस कीजिएगा। और उसके बाद फिर मैं अपने स्टोरेज हाउस है तमाम ही बर्फ का थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दूंगा और तमाम ही बर्फ आपको शो करवाऊंगा कि कहाँ मैंने विंटर बर्फ अपने रखे हुए हैं। तो बागार शुरू करते हैं। मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, ये मेरा बेडरूम है, थोड़ा सा आपको बेडरूम का भी इधर लुक है। और ये अलमारी है और अलमारी के ऊपर ये स्टोरेज हाउस है जहां मेरे ये सारी जो विंटर बल्ब्स हैं ये रखे हुए हैं ये सारे। और ये सीट्स के हैं, गर्मियों सर्दियों के सीट के हैं, बॉक्स पड़े हुए हैं। अभी मैं अनबॉक्सिंग करता हूं और आपको सारे शो करवाता हूं बल्ब्स अपने। जी मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, तमाम ही जो मैंने अपने जो विंटर जो फ्लावरिंग बल्ब्स की अनबॉक्सिंग कर ली हुई है, जैसे आप ये देख रहे हैं, मैंने कोई अपने बल्ब्स पे किसी किस्म का कोई फंजीसाइड पाउडर है किसी किस्म का नहीं लगाया हुआ। जैसे एक मैंने वीडियोस में भी अपनी अपलोड की है, तमाम ही मैंने वीडियोस में बताया हुआ, जस्ट एक अखबार के कागज में मैंने रिपेट के ये बॉक्स में ये डिब्बे में बंद करके, जैसे ये देखें तो डिब्बे हैं, ये पोटैटो चिपर है इसमें रखे हुए हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मेरे गाड़ी फ्रेंड्स, ये शियाटिक लेली का जैसे आप बल्ब देख रहे हैं, ये सारी की सारी इसमें ये कोकोपीट के अंदर है, जैसे आपको मैं देख रहे हैं ये प्लास्टिक में है। और अभी से इसकी स्प्राउट है, देखिए यहाँ से इसकी अभी से निकलनी शुरू हुई है और सारी की सारी प्लास्टिक के अंदर है, बड़े रूट्स और स्प्राउट्स भी निकलनी शुरू हुई अभी से इसकी है। ये कोकोपीट के अंदर मैंने नमी करके इसमें अंदर रखा हुआ है ये सारे के सारे एशियाटिक लेली, ये सारे के सारे डेफोडिल्स के बल्ब्स हैं। इधर आते हैं मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये
ट्यूलिप्स के सारे बल्ब्स हैं, जैसे आप देख रहे हैं सारे ट्यूलिप्स हैं। ये फ्रीजियस के मेरे गार्डिफेंस बल्ब्स हैं। ट्यूलिप्स के अंदर ही ये रिनेनकोलस के बल्ब्स हैं, ये रिनेनकोलस के बल्ब्स हैं ट्यूलिप्स के अंदर। ये इसके अंदर ही ये छोटा सा ये एनीमून का ये बल्ब है, इसके अंदर ही रखा हुआ है। इसी के अंदर है ये डच आयरिस के हैं, कुछ बड़े बल्ब्स हैं, कुछ बेबी बल्ब्स हैं, ये डच आयरिस है। यहाँ आप आगे आते हैं मेरे गार्डनिंग फ्रेंड्स, इसमें है एक्जिया है, ये एक्जिया के हैं। ये इसमें है स्पायरेक्सिस है, मैंने नाम भी लिखे हुए हैं कागज के ऊपर रैपर्स, ताकि मुझे भी कंफ्यूजन ना हो। अभी तो खैर अभी इतनी कंफ्यूजन में याद हो गया बल्ब सा, ये स्पायरेक्सिस है, इनकी शक्ल देखे याद हो पता लग गया था ये कौन सी क्वालिटी का बल्ब है। ये मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये जिन पे फ्लावर्स नहीं आए, ये क्रोकस और ज़ाफ़रान के बल्ब्स हैं, ये सारे के सारे, जैसे आप मैं भी दिखाऊंगा, ये ज़ाफ़रान और क्रोकस के बल्ब्स हैं यहाँ। और इधर है मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये ट्यूलिप्स के बल्ब्स हैं। अब मैंने जैसे कि डैफोडिल्स के बल्ब मैंने यहाँ दिखा हुआ, कई लोगों ने पूछा कि जी डैफोडिल्स के हम सॉइल में रख लें बल्ब, तो मेरे घर आप सॉइल में रख सकते हैं, सॉइल में भी चल जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आप पानी ना दें। लेकिन हमारे ये होता है कि हमने इन डैफोडिल्स के बल्ब को दिसंबर के एंड में रखते हैं, हमें चिल करवाना होता है अपने मौसम के हवाले से, तो इसलिए हमें निकालना जरूरी होता है। अब मैंने ये बल्ब से अक्टूबर के महीने में मैं ये बल्ब बाकी लगाऊंगा, जैसे ग्लैडियोलस हो गया, पहले शेटिक लिली से दोबारा स्टार्ट करेंगे, लेकिन डैफोडिल्स जो बल्ब्स हैं मैं अक्टूबर में दोबारा उसको चिल करवाऊंगा, फ्रिज में रखूंगा, एक बॉक्स में रखूंगा, फ्रिज के खाने में नीचे सबसे बॉक्स में जो होता है वहाँ, अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक 3 महीने ये और ट्यूलिप्स है फ्रिज के अंदर रहेंगे, दोबारा ये दिसंबर के एंड जनवरी में लगेंगे। तो इसलिए इसे बल्ब को इन बल्ब को निकालना ज़रूरी था। अब आगे हाइसेंस का, हाइसेंस के बल्ब से मैंने इसको सेवा नहीं किया, वो मेरे सॉइल ही में है, उसके नीचे बेबी बल्ब्स नहीं बनते, इसी तरह वो मिट्टी ही के अंदर बल्ब से। तो मेरे गार्डन फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा ओवरव्यू था अपने तमाम ही बल्ब्स का, और उम्मीद करेंगे कि मेरे गार्डन फ्रेंड्स को ये वीडियो पसंद आएगी। बाय, आपसे नवाज फ्रॉम वागी सोमचंगाल।